अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू खीमा पेटीज। मैंने ये 100 ग्राम खीमा ली हूँ, ये मैं कढ़ाई में डाल दूँगी और इसका पानी सूखने तक के पका लूँगी। खीमे का पानी सूख चुका है, अब मैं इसमें डालूँगी एक कटा हुआ कांदा। कांदे को मैंने बारीक काट ली हूँ, ये डाल दूँगी इसमें। इसमें डालूँगी एक स्पून हरी मिर्ची का पेस्ट, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, पाव चम्मच हल्दी, नमक स्वाद के हिसाब से। इसमें मैं 2 स्पून तक के तेल डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। हमें कांदा ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ नरम होने देना है कांदे को। माशाल्लाह पेटीज का मसाला तैयार हो चुका है, कांदा भी गल गया है। अब मैं गैस बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। पेटीज बनाने के लिए मैंने 5 आलू उबाल कर रखी हूँ, इसे मैं हाथों की मदद से मैश कर लूँगी। आलू मैश हो चुके हैं, अब मैं इसमें स्वाद के हिसाब से नमक डालूँगी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आलू में नमक अच्छे से मिल चुका है, अब हम इसके पेटीज बना लेंगे। हमें इतने साइज का गोला लेना है और ऐसे करके बीच में हम ये खीमे का मसाला भर लेंगे। सेम जैसे आलू पराठे को लेते हैं वैसे ही हमें ऐसा करना है इसे। पेटीज को हम रवे में ऐसा रखकर ऊपर सब चारों तरफ हम रवा लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें सारे पेटीज बनाना है। सारे पेटीज बनकर तैयार हो चुके हैं। पेटीज तलने के लिए मैंने एक अंडा ली हूँ, इसमें डालूँगी एक चुटकी नमक और इसे अच्छे से फेंट लूँगी। कढ़ाई में मैंने तेल डाल के गरम होने के लिए रख दी हूँ। अभी हम पेटीज को अंडे में डिप कर लेंगे। सब पेटीज को हमें अंडे में डिप करके तेल में डालना है। पेटीज को हम अभी पलट लेंगे। ये देखिए पेटीज सुनहरे कलर का हो गया है। उस पेटीज को अब हम निकाल लेंगे। सारे पेटीज हमें ऐसे ही तलना।
माशाल्लाह आलू कीमा पेटीज बनकर तैयार हो चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना आलू कीमा पेटीज कैसे बने। अल्लाह हाफिज़।